हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। सबसे बड़ी वर्किंग न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। गोला में आज चौराहे पे घर से व्यक्ति चला था 1.5 लाख रुपया लेके, और वो बीच सड़क पे जहाँ पे पुलिस प्रशासन लगा रहता है चौराहे पे, चौराहे के अंतर्गत कुछ बदमाश आए, असलहा लगाए और पैसे 1.5 लाख लूट के चले गए। मैं इन्हीं के लड़का था, मैं इन्हीं के पिताजी से पूछा क्या हुआ था। मेरा बेटा प्रशांत गिरी घर से करीब 43,000 रुपया लेके, हाँ मेरा लड़का 43,000 रुपया लेके घर से चला। हाँ। और 7,000 रुपया कम पड़ा था, किसी को देना था। हाँ। तो 7,000 बैंक से निकाला, SBI बैंक से। हाँ। और वो जा रहा था तो उसको जब बाहर निकले गेट के बाद, हाँ। बाहर तो दो लड़कों ने उनको रोक लिया। हाँ। कुछ एड्रेस उड्रेस पूछने के बहाने जी, और धीरे धीरे बात करते हुए यहाँ हालन के इधर, वो क्या लड़के जो डकैत थे, वो क्या वो डकैती करने, हाँ, हाँ। वो उनसे बात कर रहे हैं, वो बात करने हम मतलब जो है उसको गुमराह करने को गुमराह कर रहे थे। और उसी दौरान जो है उधर हालन के इधर मुड़े और बोले तेरे पास जो भी है वो मुझे दे दे, जो लुटेरे थे। हाँ, उसमें एक बोला नहीं सब ना लेना, 1,000 रुपये लेना। तो बेटे ने कहा ठीक है ले लीजिए 1,000 रुपये। 1,000 वो उससे मांग रहा था। हाँ, लुटेरा उसने निकाला तो दूसरा लड़का उसका बैग छीन लिया। अच्छा, वो खोलने लगा, वो बैग छीन के भगा। वो क्या किससे थे? वो दो लड़के थे। बाइक से थे? नहीं, बाइक से नहीं, पैदल थे। पैदल थे, बाइक लेके भाग पड़ा। अब बोला अगर मेरे पीछे आया तो मेरे पास दसियों केस चल रहे हैं मर्डर के, तुझे भी मार दूंगा, मेरा होगा कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। पहले उसने 1,000 रुपये मांगे। हाँ, वो तेरे ने चौराहे पे, नहीं नहीं हालन के, हालन बुक डिपो इधर जो उधर से बैंक से आते समय जो रास्ता मुड़ती है वहाँ पर, बाजार वाली गली में, फिर सीधे लेते चले आए। बोले चल मैं जान ले चला हूँ। हाँ। और यहाँ पर चौराहे जब पहुँचे तो सलाह लगाया, बोला उसमें उस पर केस था, उसके बाद हालन बुकड़ी से जो आ रहा था। हाँ, साथ ही चलते चले आए। यहाँ पर जो है कैमरा लगा हुआ है, वहाँ फुटेज भी आई होगी, वहाँ पर असलाह लगा करके उससे जो है बैग छीन लिया और भाग गए। बोले पीछे आवाज़ मत देना। अच्छा। बेटा तुरंत आया यहाँ कुतवाली, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये इनके पिताजी थे, इनका कहना था कि वारदात के दौरान जहाँ पे हालन बुक डिपो पे वो लड़का था, अच्छा। उसके संग दो जो थे लुटेरे, और वहाँ पे उससे लुटेरे ने 1,000 रुपये मांगा, ऐसा बता रहे हैं आप। 1,000 रुपये मांगा, जब उसने 1,000 रुपये दे दिया, फिर वो चौराहे पे आता है और तब वो वारदात 1.5 लाख ही करता है। हाँ, तब कहता है जो बैग एक दूसरा छीन लेता बैग। हाँ। और बोलता मेरे पास उसे भी केस चल रहे हैं मर्डर के। हाँ। और तुझे मार दूंगा, कुछ मेरा नहीं होगा, अब आवाज़ मत निकालना, और लेके भाग गया। तो बेटा हिम्मत जुटा करके जो उससे जो है एक बैग छीन लेता है, असला लगा के। तो उसके कुछ कागज़ मिले हुए हैं जिसमें उसकी आईडी नहीं है। जैसे बात हो रही थी, प्रशांत के पिताजी थे, उन्होंने जिस हिसाब से अपनी बातों को यहाँ पे रखा कि उसने पहले हालन बुगडी पे 1,000 रुपया मांगा, फिर उनका लड़का 1,000 दे देता है, फिर वो सीधे चौराहे पे आता है, फिर वो 1.5 लाख की बात है। मैं नरेंद्र कुमार होते कैमरा मैन साहब के साथ, जय हिंद।